तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ज्ञान मंच को और प्रेस करें इस बेल आइकन को। जब भी मेरा नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान मंच में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों हमारे स्मार्टफोन दिन पर दिन स्लो हो जाते हैं। मीन्स जब हम लोग नया मोबाइल परचेज करते हैं उसके बाद तो हमारा जो मोबाइल है वो कुछ महीनों तक तो अच्छे से वर्क करते हैं, बट कुछ महीनों बाद वही मोबाइल स्लो काम करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको इसका रीज़न भी बताऊंगा क्यों हमारा मोबाइल दिन पर दिन स्लो काम करता है, और दोस्तों इसका क्या सोल्यूशन होगा वो भी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखिएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो बिना समय गवाते हुए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला रीज़न है सॉफ्टवेयर अपडेट्स। जी हाँ दोस्तों, वही सॉफ्टवेयर अपडेट जिसके मदद से आपका एंड्रॉयड वर्जन अपग्रेड होता है। मींस लॉलीपॉप से मार्समेलो में जाना, मार्समेलो से नोगट में जाना, नोगट से ओरियो में जाना। तो दोस्तों कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई भी मोबाइल में कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आता है तो दोस्तों जैसे आप उस मोबाइल को अपडेट कर देंगे वो मोबाइल पहले से स्लो वर्क काम करता है, क्योंकि दोस्तों जो भी अपडेट आया है एंड्रॉयड वर्जन का वो एंड्रॉयड वर्जन उस मोबाइल के लिए सूटेबल ना हो, या फिर जो उसका ऑप्टिमाइजेशन है उसे ठीक से ना किया गया हो। और दोस्तों ये भी हो सकता है कि उस अपडेट को कंपनी ने जल्दबाजी में भेज दिया होगा। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन क्या है? तो दोस्तों इसका सोल्यूशन यही है कि जब भी आपके मोबाइल में कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट आता है तो उसे अपडेट ना करें, कुछ दिनों तक वेट करें। वेट करने के बाद आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जाके उस डिवाइस के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि अभी उसका जो अपडेट आया उससे उस मोबाइल में कुछ असर तो नहीं हुआ है। मीन्स वो मोबाइल का बैटरी में कुछ इफेक्ट तो नहीं पड़ा, या फिर आप जो फ़ोन है कुछ ज़्यादा हैंग तो नहीं कर रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप अपडेट कर लीजिए, अगर उसमें कुछ बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो रहा तो आप थोड़ा दिन वेट करिएगा, फिर कंपनी खुद ही उसका कुछ स्टेबल अपडेट भेज देगा। तो दोस्तों यही था इसका पहला रीज़न विथ सोल्यूशन। तो दोस्तों चलिए दोस्तों हम लोग दूसरे रीज़न के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों हमारा दूसरा रीज़न है एप्लीकेशन अपडेट्स। तो दोस्तों आप किसी भी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो दोस्तों कुछ दिनों बाद या फिर कुछ महीनों बाद उस एप्लीकेशन में कुछ अपडेट्स आते हैं। तो दोस्तों उस अपडेट में उस एप्लीकेशन का कुछ बग फिक्स्ड होता है या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट्स के लिए उस एप्लीकेशन का कुछ अपडेट आते हैं। तो दोस्तों अभी के जितने भी ऐप डेवलपर्स हैं उन्हें पता है कि मार्केट में जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं उन सब में पावरफुल प्रोसेसर है, पावरफुल ग्राफिक्स है, पावरफुल हार्डवेयर है। तो दोस्तों वो लोग उसी हिसाब से अपने एप्लीकेशन को अपडेट करते हैं। दोस्तों इसी वजह से अगर कोई एप्लीकेशन का कुछ अपडेट आता है, अगर आप उसे अपडेट करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है वो एप्लीकेशन आपके मोबाइल में ठीक से वर्क ना करे। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन यही कि अगर कोई एप्लीकेशन का कुछ अपडेट आता है तो सबसे पहले उस एप्लीकेशन का अपडेट चेक कर लें कि उस अपडेट में आपको क्या क्या मिल रहा है। अगर कुछ काम लायक रहा तभी अपडेट करें, अगर कुछ काम लायक आपको नया लगे कि ये सब वही पुराना है बस थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट है तो उसे अपडेट ना करें। तो दोस्तों इसके मदद से आपका दो काम हो जाएगा, आपका सबसे पहला मेमोरी का प्रॉब्लम नहीं होगा और दोस्तों आपका मोबाइल भी ठीक से वर्क करेगा। और दोस्तों आप एक और काम कर सकते हैं, आप प्ले स्टोर में जाके आप ऑटोमेटिक अपडेट का ऑप्शन को ऑफ कर सकते हैं, फिर आप किसी भी एप्लीकेशन को अपनी मर्जी से अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था हमारा दूसरा रीज़न। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने तीसरे रीज़न की तरफ चलते हैं और देखते हैं उसका क्या सोल्यूशन है। तो दोस्तों तीसरा रीज़न है बहुत सारा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना। तो दोस्तों होता ये है कि आप बहुत सारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, देखते हैं कि कैसा एप्लीकेशन है, अच्छा लगता है तो उसे रख लेते हैं, अगर अच्छा नहीं लगता है तो उस एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल कर देते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि आप किसी भी एप्लीकेशन को जब अनइंस्टॉल करते हैं तो प्रॉपर वे से वो अनइंस्टॉल नहीं होता है। आप कोई भी एप्लीकेशन को जब अनइंस्टॉल करते हैं तो उसका कोई ना कोई फाइल आपके फ़ोन मेमोरी में रह जाता है। उसी तरह आप बहुत सारे जब एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करते हैं तो उन सब का भी फाइल आपके फोन फाइल मैनेजर में रह जाते हैं, जिसके बाद फ्यूचर में वही सब फाइल बहुत बड़ा साइज हो जाता है उन सब फाइल का। उसके बाद वो आपका मेमोरी का भी प्रॉब्लम देता है, इनसफिशियंट मेमोरी बताता है और आपका मोबाइल भी बहुत ज़्यादा हैंग करता है। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन यही है कि आप कभी भी कोई भी एप्लीकेशन को जब अनइंस्टॉल करते हैं तो आप मैन्युअली फाइल मैनेजर में जाके चेक कर लीजिए कि एंड्रॉयड फाइल में कोई भी इसका नाम का कोई फाइल है कि नहीं, अगर कोई फाइल दिखता है तो उसको डिलीट कर दीजिए। और दोस्तों इन सब के साथ साथ अगर आपके मोबाइल में कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो आपको कोई भी यूज़ में नहीं आता बस ऐसे पड़ा हुआ है उसे भी अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि वो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में वर्क करता ही है और आपका रैम भी लेता है और आपका मोबाइल भी स्लो काम करवाता है। तो दोस्तों इन्हीं सब रीज़नों की वजह से आपका मोबाइल कुछ दिनों के बाद स्लो काम करने लगता है। और दोस्तों आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल है वो स्मूथली काम करे तो दोस्तों उसके लिए आप अपने मोबाइल का फैक्ट्री डेटा रीसेट करिए, वो भी हर 5 महीने में। दोस्तों फैक्ट्री रीसेट करने से पहले आप अपने मोबाइल का जितना भी डेटा बैकअप करना चाहते हैं उसे बैकअप कर लीजिए।
करने के बाद अपने मोबाइल का डेटा फैक्ट्री रीसेट कर दीजिए। तो दोस्तों डेटा फैक्ट्री रीसेट करने से होता क्या है, तो दोस्तों डेटा फैक्ट्री रीसेट करने से आपका मोबाइल के जितना भी फाइल रहते हैं, जितने भी एप्लीकेशन रहते हैं, जितने भी जो भी चीज़ रहते हैं, उन सबको डिलीट कर देता है और एकदम फ्रेशली न्यू से चालू करता है, जिसके बाद आपका मोबाइल एकदम अच्छे से वर्क करेगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको हर 5 महीने में आपको डेटा फैक्ट्री रीसेट करना चाहिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों मैं इस तरह के नए नए वीडियो लेके आते रहता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।